रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ हमारा वीडियो एडिटिंग का कि हम कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर। टूल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल का नाम है शेयर फिल्मोरा। इसको फिल्मोरा के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल के ऊपर भी ये टूल अवेलेबल है और आप वेब के ऊपर यूज भी कर सकते हैं इसका। सो वी हैव द मेन वर्क स्पेस हियर। ये आपके सामने पूरा नजर आ रहा है, डिफरेंट हुए हैं। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपकी वीडियो प्ले होगी। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ आपका सारा मीडिया होगा। दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर फीचर व्हाट यू हैव टू ऐड और रिमूव एंड दिस आर आल्सो। सो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर। यहाँ पे भी ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई बना बनाया बन दिस, देन यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मीडिया। काफी सेटिंग अवेलेबल है, देन जो भी है यू नो वेल, क्योंकि हम यहाँ इन सारी में। सो फर्स्ट वी ऑप्शन इज मीडिया, के हाउ वी कैन इंपोर्ट द मीडिया हियर। तो मीडिया इंपोर्ट करने के बटन है कि इंपोर्ट मीडिया फाइल, यू कैन इंपोर्ट आ इंटायर मीडिया फोल्डर एंड यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसबी कनेक्टेड फोन और योर कैमरा एज वेल एंड यू कैन इंपोर्ट विद योर इंस्टेंट कटर टूल। यानी कि एक स्पेसिफिक वीडियो का पोर्शन आप इंपोर्ट करवाना है किसी भी वीडियो से, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। और इफ़ यू हैव इंस्टाग्राम और फ्लिकर तो उसको इसके साथ कनेक्ट करके वहां से डाउनलोड कर इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, इफ यू डोंट वांट टू इंपोर्ट एनी मीडिया देन यू वीडियो ऑफ योर स्क्रीन। वी हैव थ्री ऑप्शन, वेबकैम, पीसी स्क्रीन एंड वॉइस ओवर। वेब आपका सिर्फ वेबकैम रिकॉर्ड होगा। पीसी स्क्रीन जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप न्यू आएगी जो आपको अलाउ करेगी कि आपने किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है। लाइक यहाँ पे इफ आई क्लिक, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है कि फुल स्क्रीन, देन कस्टम, कि हम एक स्पेसिफिक एरिया जा रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे कि मैं यहाँ यहाँ तक रिकॉर्डिंग करूँ ताकि जो मेरा नीचे वाला टाइम है वो जो भी है ये नीचे वाली चीज़ें ये रिकॉर्ड ना हो, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड हाफ, आपने कोई ऐसा मटेरियल रखा हुआ है जिससे आप गाइड ले रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करवा सकते या नहीं करवाना चाह रहे, तो आप उसको साइड पर रख के उसमें कोई भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप एक कस्टम स्क्रीन साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन द थर्ड ऑप्शन इज आवर टारगेट विंडो। आई ओपन द फिल्मोरा एंड आई क्लिक ऑन टारगेट विंडो। दिस इज द टारगेट विंडो एंड दिस इज द टारगेट विंडो, जिसके ऊपर रेड बॉर्डर शो है। यानी कि एक सिर्फ यही विंडो रिकॉर्ड हो, ये जो विंडो है यही रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो ये यही विंडो सिलेक्टेड हो जाएगा, आपका स्क्रीन का रिकॉर्ड होगा, बाकी कोई चीज भी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो टारगेट विंडो का ये मतलब है। फुल स्क्रीन क्लिक हियर इफ यू वांट टू यूज योर सिस्टम रिकॉर्ड। इनके सिस्टम में कोई भी गाना प्ले होता है वो रिकॉर्ड हो या ना हो ओपन रहने दें, अदरवाइज इसको क्लोज करते हैं। इसी तरह माइक को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड, क्वालिटी इज बेटर, गुड। जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट सेव करना है वहाँ पे आप अपनी डायरेक्टिव सेट करें एंड यू कैन यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं कि कौन कितनी देर के बाद आपकी वीडियो स्टॉप हो, इसको छेड़े ना। आप जब क्लिक करें तो आपका कर्सर किस रंग का होना चाहिए
और जब आप क्लिक करें तो क्या एक साउंड प्रोड्यूस हो, वीडियो एनेबल रखना है तो एनेबल रख रहे हैं, पॉज करना है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं पॉज करना चाहता हूँ की वन से, तो मैंने यहाँ से की वन सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ किसी भी वीडियो को या स्टॉप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लेट्स सपोज 9 का बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि शॉर्ट कट की है कर सकूँ और दोबारा रिकॉर्ड या स्टार्ट भी कर सकूँ। If I want to record the camera as well, just click here and select your camera. Using my system, therefore there is no any camera. तो यहाँ पे आपको कैमरा भी शो हो जाएगा अगर आपका कैमरा डिटेक्टेबल होगा तो कैमरा भी पॉपअप आ जाएगा। फिर करेंगे इस तरीके से कि इस जगह पे आपका कैमरा हो और जस्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे रिकॉर्ड पे, तो रिकॉर्डिंग ऑन। सो ये अब सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। मैं एक फोल्डर खोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्लिकिंग हो रही। लेट्स सपोज आई प्ले अ वीडियो हियर। ओके, एक वीडियो प्ले की मैंने। अब मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, आई हैव अ शॉर्टकट की वन, वन पे मैं प्रेस करूंगा तो स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग, पॉज हो जाएगी। अगर 9 प्रेस करूंगा तो दोबारा से, और अपने टास्क बार से भी उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से कि आपने क्या करना है, क्विट करनी है या ओपन करनी है। तो आप इसको प्ले पॉज कर सकते हैं अभी, क्योंकि पॉज किए मैंने 1 प्रेस किया था, अगर मैं 9 प्रेस करूंगा तो वो वीडियो रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी देन वी हैव हियर आवर रिकॉर्डेड वीडियो। यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो विजिबल है, नजर आ रही है आप सबको, ये रिकॉर्डेड है। अब ये आपके पास मीडिया रिकॉर्ड होके आ चुका है। अगर आप अपना मीडिया गैलरी से लेना चाह रहे हैं तो क्लिक इंपोर्ट मीडिया। आप एक स्पेसिफिक फोल्डर सिलेक्ट करें जहाँ से आपको आपने मीडिया लेना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रॉयल्टी फ्री का। इसमें कुछ चीजें हैं लाइक क्लिक ओपन, तो ये सारा मीडिया यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुका है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू कि हाउ वी कैन इंपोर्ट अ मीडिया? यस सर। ओके, नाउ कैसे लेके आना अपने मीडिया को। ये भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, इसको मैंने ट्रैक करके ले आना और यहाँ पे टाइमलाइन पे सेट कर देना, ऊपर नीचे आपका दिल करे। ठीक है, अभी क्योंकि वीडियो की टाइमलाइन है तो वीडियो वाली टाइमलाइन है। आपके पास ऑप्शन आया कि जो फ्रेम रेट रखना है या मीडिया के मुताबिक रखना है, तो ये आपकी मर्जी है कि जैसे अगर आप प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है कि आपने उसी साइज तो आप प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे। अगर आपकी कोई वीडियो की फाइल है उसके साथ जाना चाहते हैं तो उसके साथ जा सकते हैं, बट एट आई विल कीप द प्रोजेक्ट सेटिंग। यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास वीडियो में प्ले करूँगा तो वही चीज रिकॉर्ड की थी, अगर आपको विजिबल हो तो वही चीज रिकॉर्डेड मैंने की थी, वही क्लिक्स और सब कुछ शो हो रही है। मैंने वीडियो भी प्ले की थी, आपको नजर आ रहा होगा, आवाज भी रिकॉर्ड हुई है साथ। ठीक है, यस सर। तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर कोई ऑडियो है तो इस तरह मैंने यहाँ पे ऑडियो भी इंपोर्ट करवाई, तो ऑडियो इसी तरह नीचे वाली टाइमलाइन पे इंपोर्ट होके आ जाएगी। द बोथ विल बी प्लेड। लुक, audio and this is a video. Okay, now we have to understand the some basic tips and tricks. ये video है आपके पास, अब चाहिए यहाँ पे 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, 15 सेकेंड के लिए, तो आप यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करके भी 15 सेकेंड के बाद वीडियो ना आए ये। ठीक है, और इस तरह भी आप आगे 10 सेकंड के बाद कट कर सकते हैं वीडियो को,
और दूसरा ऑप्शन ये है कि 15 सेकंड पे लेके आए अपने अपनी एनिमेशन को, या अपने ये कर्सर को, क्लिक कैंची से बनी हुई सीजर कट का आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये स्प्लिट कर देगा आपकी वीडियो को 2 हिस्सों में। ये आपने हिस्सा कहीं और भी यूज कर सकते हैं, या यानी कि इसके अंदर मैंने कोई ये वाली चीज़ डालनी है तो इसके अंदर मैं ये वाली चीज़ डाल दूंगा और आगे ये चीज़ आ जाएगी, मतलब नहीं है तो आप इस तरह रिमिक्सिंग कर सकते हैं कट करके एक सीन को। नाउ आई विल प्ले एंड यू विल सी। ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन कि आपने वीडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो के साथ आपके पास वीडियो की ऑडियो भी है, कोई भी वीडियो लेते हैं आप, लेट्स सपोज ये वीडियो है, अब इसके नीचे भी आपको ऑडियो की टाइमलाइन शो हो रही होगी, इसके नीचे भी ऑडियो है और ऑडियो है, तो इस वीडियो की ऑडियो खत्म करना चाहता हूँ तो आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा दिस ऑडियो, डिटैच ऑडियो पे आपने क्लिक करना है, यानी कि ऑडियो स्प्लिट हो जाएगी। यू विल सी देयर इज द ऑडियो एंड देयर इज द वीडियो, स्प्लिट हो चुकी है। आप इस ऑडियो को डिलीट भी कर सकते हैं और कहीं और भी यूज कर सकते हैं। नाउ आई प्ले द वीडियो, द ओनली म्यूजिक फाइल विल, वीडियो की जो वीडियो का जो म्यूजिक होगा वो प्ले नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस यस सर। ओके यस प्लीज। सर अगर हम एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं और अगर हम उसको सेव ना करें और ये बंद हो जाए, हमें मिल जाएगी या फिर? अभी मैं वीडियो एडिटिंग करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप बाद में कर सकते हैं ओके पॉसिबल श्योर हो तो। ओके अब ओके यहाँ पे आपके पास वीडियो का पोर्शन क्लियर हो गया कि वीडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं और वीडियो को सेपरेट कैसे करते हैं और मिक्सिंग कैसे करते हैं। इसी तरह ऑडियो है आपके पास, अब आपने गौर से सुनना है, मैं इस वक्त जो खत्म कर रहा हूँ म्यूजिक वाली, अब सिंपल है आपके पास। अब यहाँ पे म्यूजिक की आवाज आपने सुननी है कि म्यूजिक कैसा है। इफ आई शेयर विद यू, म्यूजिक की आपको पहचान होगी कि म्यूजिक अभी आपका कैसा है। ओके अभी मैं वीड करूंगा, यहाँ पे आपको एक बार नजर आ रही है ये वाली अंदर बार, ठीक है, ये वाली, इस बार को पकड़ के आप नीचे हैं, ये जो बार है ये है बेसिकली डीबी लेवल, डेसिबल लेवल, तो कोशिश करें कि इसको ज्यादा हाई ना ले, चांसेस के जो स्पीकर हैं वो फट जाएं, तो डीबी आपने कम रखनी होती है। अगर कोई चीज की वैसे आवाज कम है तो उसकी आप डीबी हाई कर, लेकिन एक चीज जो पहले ही बहुत ज्यादा है उसकी डीबी आपने हाई नहीं करनी, इस तरह आवाज आपकी फट जाएगी, आपकी आवाज वीडियो जो ऑडियो है वो बिल्कुल, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो डीबी ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल ही रखें। हाँ अगर आपने वैसे वॉल्यूम उसका कम रखना है, यानी कि बैकग्राउंड पे चलाना, इस तरह काम कर सकते हैं, तो जब आप उसको प्ले करेंगे तो उसकी आवाज बिल्कुल कम आएगी पीछे आपको। अब आपको वीडियो आवाज आहिस्ता है यही, अब आपको ये वैसी आ रही है। ये सर आहिस्ता ही है। ओके ये था डीपी क्लियर। अब आपके पास जो ऑप्शन है कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आते हैं शो प्रॉपर्ट कॉपी डिलीट ये वो सारे, तो यहाँ पे सेम आई विल क्लिक ऑन शो प्रॉपर्टीज, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज सारी शो है, और इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी ये प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे फेड इन है, फेड इन नीचे आप देख रहे होंगे थोड़ी बहुत चेंजिंग नजर आ रही होगी आपको, चेंजिंग हो रही है, यानी कि वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। फेड आउट का मतलब कि
वॉल्यूम जब आपकी जो वीडियो है एंड होने वाली हो, तो आपका जो वॉल्यूम है वो ऑन होना स्टार्ट हो जाए, तो ये फेड इन और फेड आउट वो चीज़ है। अब बात आ जाती है पिच की। पिच बेसिकली उसकी टून है। अब मैं इसकी पिच कर रहा हूँ कम की है, तो अब आप इसकी आवाज़ सुनिएगा, बिल्कुल चेंज होगी। पिच बेसिकली उसकी टून होती है जो चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सॉन्ग की, क्योंकि यहाँ म्यूजिक में पिच की आपको शायद क्लियर ना हो, तो यहाँ पे इन द सॉन्ग रखकर लेट मी प्ले, दिस इज म्यूजिक। चले मैं यहाँ से एक ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द वीकेंड, यहां तक आया, समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप सबको? नो यस सर, सर। समझ आ गई है। ओके हियर, ये मैं ले लेता हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ तो आवाज सुनिएगा इसकी। अब ये आवाज इसकी ओरिजिनल है। नाउ आई विल चेंज द पिच, डबल क्लिक किया, नाउ इंक्रीज, 4 पे ले गया हूँ। ओके ओके कर दिया। अब देखें इसकी आवाज कैसी होती है। कोई डिफरेंस नजर आया आपको? I will now decrease its pitch. मैं अब इसकी पिच -2 पे लेके जा रहा हूँ। अब आप इसकी पिच को देखिएगा कि कैसा होता। अब आपको यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पिच के रिलेटेड? नाउ आई विल गो फॉर द लेफ्ट एंड राइट। अगर आप हैंड फ्री यूज करते हैं तो आपने 90 या 80 ऑडियो सुनी होगी कि लेफ्ट साइड पे कभी आवाज आती कर सकती है। तो अगर आप एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपने लेफ्ट एंड राइट चूज करना है कि कभी आवाज लेफ्ट पे जाए कभी राइट पे जाए, तो ये पास। अब ये पूरा जो म्यूजिक होगा वो सिर्फ राइट हेडफोन पे चलेगा, लेफ्ट वाले हेडफोन पे इस पे कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है? अगर वो है तो, अगर आपने लेफ्ट पे रखना तो आपका सिर्फ लेफ्ट पे जाएगा। आप इस तरह वॉल्यूम भी कर सकते हैं कि लेफ्ट पे कम वॉल्यूम हो वॉल्यूम ज्यादा हो, आप इस तरह भी चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये की फ्रेम भी होते हैं यहाँ पे। मैं अगर थोड़ा सा गाइड कर दूं, क्योंकि अगर समझ, क्योंकि अभी आपने ना, क्योंकि आवाज आपको एक मीडियम के थ्रू आएगी, लेकिन आपने ये खुद ट्राई करना है। अब देखें यहाँ पे, यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक राइट साइड पे आवाज आए, तो मैं यहाँ पे ये नीचे ऐड वॉल्यूम की फ्रेम यहाँ पे इस पे क्लिक करें, तो यहाँ तक अब आप आपकी आवाज राइट पे आएगी। फिर मैं चाहता हूँ कि तक मेरी आवाज लेफ्ट में जाए, तो मैं लेफ्ट पे करके यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा, जब मैं म्यूजिक प्ले, 10 सेकेंड राइट पे आएगी, फिर अगले 15 सेकेंड लेफ्ट पे जाएगी। तो इस तरह से बनाते हैं चीजें। डू चेक इट आउट एज वेल। देन यहाँ पे इक्वलाइजर है कि कौन सा आपने थीम रखना है उस ऑडियो का, तो ये बैकग्राउंड नॉइस भी इसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज भी कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज आपने वॉल्यूम की रखनी है, बेसिकली एज वेल। ओके
ऑडियो पोर्शन इज क्लियर, दिस इज ऑल क्लियर. फिर आ जाते हैं हम स्पीड के ऊपर, ऑन स्पीड एंड ड्यूरेशन. म्यूजिक मेरे पास है 6 मिनट और 11 सेकंड का, मेरी वीडियो है 30 सेकंड की. तो मैं यहाँ पे म्यूजिक को 6 मिनट यानी कि अब 0 मिनट और कर देता हूँ 30 सेकंड और 30 सेकंड. ये और ये मिनट्स, सेकंड और ये मिली सेकंड होते हैं. अपने म्यूजिक को कर दिया एंड क्लिक ओके. तो अब आपका जो म्यूजिक है वो फास्ट हो गया, 12.37 टाइम्स फास्ट हो गया. आई विल प्ले एंड यू विल लिसन. ये देखा आपको, ये म्यूजिक आपका फास्ट हो चुका है. ठीक है, इसी तरह आप अपनी वीडियो को भी फास्ट कर सकते हैं. Have a time start to play head and time end to play head. ये यहाँ पे अगर हम end to play head मतलब यहाँ तक end हो जाएगा, पीछे वाला ऐसा कट जाएगा, तो इसको आप सिंपल इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको. ठीक है, ओके. कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, आप अंडू रीडू के लिए यूज कर सकते. द सेकेंड ऑप्शन इज कि हम कोई वीडियो, ये मैंने एक वीडियो प्ले किया है, इस वीडियो प्ले करने से पहले मैंने इसके ऊपर लगाना है कोई ना कोई टाइटल. वी हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिक हेयर, इसको मैं क्लियर कर चुका हूँ. देन वी हैव अ टाइटल हेयर ऑनलाइन, अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, क्लिक हेयर एंड लेट मी चूज द टाइटल. लेट्स सपोज मैं ये वाला टाइटल यूज करवाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक कितनी देर तक रखना है वो आपने सेट करना है. अगर आपने एनिमेशन वाला लेक्चर लिया, यू नो वेल हाउ टू एडजस्ट दिस थिंग्स. अब मैंने इसको स्टार्टिंग में 2 सेकंड के लिए लेके आना है, तो 2 सेकंड के लिए सेलेक्ट कर दें. उसके बाद इस टेक्स्ट वाली टाइमलाइन के ऊपर डबल क्लिक करें, टाइटल दें योर टेक्स्ट हेयर. यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं रैंडम सा मैंने टॉपिक लिख दिया टाइटल, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ. मैं करता हूँ एनिमेशन और ये वाला टाइटल में क्लास. यू कैन चेंज द फॉन्ट्स, यू कैन चेंज द साइज, बोल्ड, इटैलिक, व्हाटएवर. यहाँ से आप साइज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक, सेंटर लाइन, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग भी क्लियर है. यहाँ पे कुछ बनी बनाई आर्ट्स भी अवेलेबल है, उनको भी यूज कर सकते हैं. हाउ आई विल प्ले द एनिमेशन एंड लेट्स सी हाउ इट प्ले. ओके, तो ये आपके पास टाइटल एनिमेट हो गया आएगा. ठीक है, कुछ बने बनाए टाइटल अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू मेक योर ओन न्यू वन टाइटल्स. देन वी हैव अ ट्रांजिशन, अ वीडियो. अब ये एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये देखें वीडियो बिल्कुल सिंपल है, टाइटल खत्म हुआ, वीडियो प्ले. ये वीडियो बिल्कुल सिंपल है, इस वीडियो में मैं कुछ चंक्स एंड ट्रांजिशन देना चाहता हूँ, तो ट्रांजिशन दे सकता हूँ. कैसे, मैं वीडियो को पहले 3 हिस्सों में सेपरेट कर दिया है. अब मैंने यहाँ से कोई ना कोई ट्रांजिशन लेनी है कि जो नेक्स्ट क्लिप है वो उस तरीके से आए. उस एक ये मैंने ले लिया, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले. ठीक है, इसको अब बेशक आप इकट्ठा भी रख सकते हैं, इकट्ठा भी अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से. जब मैं अप्लाई करूँगा ये वीडियो चलाऊँगा तो देखिए भी अप्लाई होगी. ये ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे लगा दी है स्टार्टिंग और एंडिंग पे. देखें ये पहला इफेक्ट लगा, ये देन वीडियो है आपके पास. अब यहाँ इसके अंदर एक और ट्रांजिशन आ जाएगी, ट्रांजिशन ये देखा
ये यहाँ पे ट्रांजिशन थी, अगर आपको नजर आई हो तो ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन हो क्या। देन आगे हम प्ले करते हैं, दिस इज आल्सो अ ट्रांजिशन के ये नीचे जस्ट वीडियो आएगी। देन द थर्ड वन, ठीक है, ये पेज रोल होके जा रहा है उसका। ट्रांजिशन क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। इफेक्ट, अगर मैं वीडियो में कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ लाइक ब्लैक एंड व्हाइट ये मैं रखना चाहता हूँ, लगा दिया तो इसके ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। द वीडियो एंड यू विल वॉच आउट एंड नाउ दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट है आपके पास, ठीक है, काफी ज्यादा अवेलेबल है, काफी ज्यादा ओवरले भी हैं, यू मे चेक। देन वी हैव एलिमेंट्स की एडिशन ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक ये मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ, ये भी ओवरले में होगा, ऊपर वाली लेयर के ऊपर होगा, ठीक है। अब ये मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करवाया, देखिएगा कि ये यहाँ पे आएगा, ये इस तरीके से आ रहा है, ये एक एडिशनल चीज है, इसको आप बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट। ओके, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये जस्ट इफेक्ट होते हैं। देन वी हैव अ स्प्लिट स्क्रीन के अगर आप दो वीडियो में काम करना चाह रहे हैं, प्ले हो दूसरी साइड पे दूसरी चीज प्ले हो, अभी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि पहले मैं टाइमलाइन को क्लियर करता हूँ, दो वीडियो को मोर डिफरेंट कैसे बनाया जाए। पहले यहाँ से आपने प्रीसेट चूज करना है, लेट्स सपोज मैं प्रीसेट चूज कर रहा हूँ तीन वीडियो वाला, ठीक हो गया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उस हिस्से को सिलेक्ट करना है, पहली वीडियो में मैं ये प्ले इसको ड्रैग करके उस पहले वाले हिस्से में सिलेक्ट कर लें, और फिर इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस की, ठीक। उसके बाद सेकंड वीडियो, सेकंड वीडियो में यहाँ पे ये वाली प्ले करना चाहता हूँ, सेम यू कैन प्लस माइनस, एंड द थर्ड वीडियो सिलेक्ट करें यहाँ पे, थर्ड वीडियो में यहाँ पे ये प्ले करना चाहता हूँ, एंड सेम प्लस माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर, एंड नाउ यू विल सी बोथ विल बी प्ले एट द सेम टाइम, बल्कि तीनों, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेक, इसकी फर्दर सेटिंग है, एडवांस सेटिंग है, कितनी देर के लिए आपने इसको रखना है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, तब तक चलेगी जब तक आपकी वीडियो है इस तरीके से आएगी। जब तक आपकी तीनों वीडियोस खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक भी रख सकते हैं, और उसे एडिशनल टाइम के ऊपर भी लग सकते हैं, अभी तीनों वीडियो पे जाके आप इसको स्टॉप कर लें ऐसे। सो क्लियर, इट्स वेरी इजी। एडवांस ऑप्शन लाजमी चेक करें, हर चीज का एडवांस ऑप्शन है, वो आपने खुद चेक करना है। अब मैं आपको ग्रीन स्क्रीन पे ले जाता हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। ओके, गेट टू गो ऑन गूगल एंड सर्च आउट pixabay.com, pixabay.com, क्लिक ओवर हेयर फॉर वीडियोस, यहाँ पे आ रहा है वीडियोस के लिए,